बाथरूम के साथ ऊंची ना है यार। अबे अबे नमस्कार, मैं आपके साथ कामरा सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। सिविल लाइन क्षेत्र के काजीपुर में हुआ दो पक्षों में जमकर पथराव, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के काजीपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में किसी विवाद को चलते पथराव हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव होने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। दरअसल आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के काजीपुरा में एक दिन पूर्व दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें जमकर पथराव किया गया था। वहीं किसी पक्ष द्वारा भी थाने पर तहरीर देते हुए समझौता कर लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार को फिर दो पक्षों में आमने सामने आ गए, जिसमें दोनों में जमकर पथराव हुआ। वहीं एक पक्ष ने कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि इस मामले में थाने पर तहरीर दे दी गई है। वहीं पथराव का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद नईम है, सनौफ अब्दुल हकीम, निवासी काजीपुरा, थाना सिविल लाइन मुरादाबाद। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारे परिवार में एक रिश्ता शादी हुई है, निकल हुआ है, तो ये लोग, ये परिवार हमारे इस रिश्ते से ये लोग नाखुश थे। हमारे ऊपर भी इन्होंने दबाव बनाया कि वहाँ से शादी मत करो मत करो, फिर उधर से भी इन्होंने दबाव बनाया। उसके बावजूद भी लड़की वाले ने निकाह करा दिया। अब निकाह कराने के बाद इन्होंने यह आने के बाद घर पर आके हमारे चचा हैं उन्हें गालियाँ दी हैं, फोन पर जान से मानी धमकी दी है, जिसका मैं ऑडियो आपको दे रहा हूँ, आप देख लेना खुद की। शमसुद्दीन सनौफ मोहम्मद अली, कमरुद्दीन सनौफ मोहम्मद अली, साने आलम सनौफ अनिल और करीमुद्दीन सनौफ अनिल और कासिम और नाजिम सनौफ रफीक, ये 6-7 लोग तेरे चचेरे भाई हैं। इन्होंने आने के बाद, कल मैं बाहर गया हुआ था, वहाँ से आने के बाद इन्होंने पथराव करा घर पे, जिसके हमने FIR कराई है थाने में। लेकिन चूँकि थाना चौकी इंचार्ज अकबानपुर राजेंद्र सिंह है या राधे राणा करके जो भी हैं, कमरुद्दीन ये कहता है कि राणा जी से मेरे बहुत, उनसे क्या नाम, चौकी इंचार्ज साहब से मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनका नाम ले लेके बार बार हमें धमकाता है। उसका नतीजा हमने कल देख लिया कि हमारी FIR हमने NCR वो दी थी, तहरीर दी थी, उस पर हमारी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, कितने समय झगड़ा हुआ था ये? कितने, ये कल 11 बजे हुआ था, 26/5/2011 किसको, और आज जो है सुबह 8 बजे हमारे घर की औरतें, कुछ दुकान है इनके परिवार की, वहाँ से कुछ सामान लेने गई थी, तो वहाँ आने के बाद इनके भाई बच्चों ने, इनके भाइयों ने, सब ने औरतों के साथ अभद्रता की है, उन्हें गालियाँ दी हैं। जब हमारे घर परिवार के लोगों ने उनसे मना किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हो, तो इन्होंने लाठी डंडों से उन पर पिटाई की, उसके बाद इन्होंने ऊपर से अध्यबाजी की, फिर ऊपर से फायरिंग भी की है। अच्छा, लड़ाई लगभग कितने समय तक चलती रही? लड़ाई कम से कम आधे घंटे तक लड़ाई चलती रही है, अध्यबाजी होती रही है। 112 नंबर को फ़ोन किया गया था, वो काफ़ी देर बाद पहुंची है, उसके बाद भी ये लोग इधर उधर हुए हैं, उसके बाद भी ये लोग आए, फिर थाना यहाँ अगवान पुलिस चौकी साहब ये पहुँचे हैं। अच्छा, कितने लोगों की शिकायत आपने दी है और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से तो कल तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है साहब, आज अगर देखते हैं क्या होती है। मैं आपके मीडिया बंदियों के माध्यम से, मैं आला अफसर से, पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से ये सभी ने निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और दोषियों को दंडित करें।